चाबी हमें लेनी थी, इसीलिए ना हमें थोड़ा सा खोलना पड़ा। तो कोई एक फुट बर्फ हुई है रात को, एक फुट तो हुई है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो ये हमारा नेक्स्ट डे है। कल वाला व्लॉग अधूरा रह गया था क्योंकि मेरा कैमरा ना बंद हो चुका था, तो इसीलिए फिर मैंने वो वाला व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया किसी भी वजह से। कैसे होता, कैमरा ही नहीं था। तो आज नेक्स्ट डे है और बर्फ़ अच्छी खासी बर्फ़ हो रखी है। कल रात को ना बर्फ़ स्टार्ट हो गई, रात को शाम को अचानक से बर्फ़ स्टार्ट हुई। तो अभी आज दिन के 3 बजे तक बर्फ़ दिखाई हुई है। चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम मेरे हाथी आए हैं हमाम की लकड़ियाँ ले लें। हमाम जलाना भी ज़रूरी है क्योंकि हमाम नहीं होगा तो यहाँ रहना ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। पहले हम हमाम की लकड़ियाँ लेते हैं। हमाम की लकड़ियाँ कुछ आधी उधर ही हैं, आधी लेते हैं, उसके बाद गाड़ी से बर्फ़ हटाते हैं, है ना आते। तो ये सब काम करते हैं, पहले करके काम ख़त्म करते हैं तो फिर देखते हैं। फातिब चलो फिर निकालना शुरू कर। हमाम की लकड़ियाँ ना निकाल दी हैं तो अभी दोनों मैं और हाथी दोनों उठाते हैं क्योंकि एक ही फेरा करेंगे ना आते। तो आपको मिलते हैं सीधा हमाम के पास, हमाम को जलाते हुए। यहाँ पर ना पहले निकाल देना होगा क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, वाइट है, मतलब ये सिल्वर है ये वाइट है, इसको तो हमाम के पास मिलते हैं। सो अभी ना मैंने अपर निकाल दिया ऊपर वाला क्योंकि वो काला हो जाएगा यार, इधर ख़राब हो जाएगा। ऊपर ना छत से बर्फ़ नीचे आ रही है तो पहले इधर ना थोड़ी सी पहले ये बर्फ़ उठाते हैं। ये लकड़ियाँ मैंने सोचा था यहीं पे हैं बट ये गीली हो चुके हैं। सो पहले इनको जलाते हैं फिर वो उनको ऊपर रखते हैं, बट सबसे पहले हम इस बर्फ़ को साफ करते हैं। स्पेंड हिज लाइफ इन विंटर्स, समझ रहे हो? ये एक लाइफ है, ये भी लाइफ है, समझ रहे हो? तो घर का काम करना भी बहुत अच्छी बात है। अभी पहले आ चुके सो सीन ऐसा है कि अभी तक ना हम शूट ले रहे हैं, ठीक है, और हाथी बने और इस बंदे ने टाइप ही नहीं किए, रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की, समझ रहे हो? अभी तक मैंने आग वाग जलाई बट इस बंदे ने कमेंट में ना इसके खिलाफ बोलना, मजाक कर रहा हूँ। तो अभी कोई बात नहीं, चलता है। तो अभी हमने आग ना लगा दी है, आप देख रहे हो आग लगा दी है, और इसके ऊपर ना मैंने यहाँ पे कल वाली रखनी है थी वो गीली हो चुकी थी थोड़ी, एक तो ऊपर मैंने टॉप पर लगा दी, अभी ये वाली भी लगाते हैं, गीली है थोड़ी, जो गीला साइड है इसका वो हम ना इस साइड में रख देंगे ताकि जब हमाम गर्म हो वो पहले थोड़ी सी सूख जाए, वो जो सूखा वाला साइड है वो आग के ऊपर रखते हैं। ये दीवार देख रहे हो क्यों काली होती है? क्योंकि यहाँ से धुआं निकलता है, इसीलिए ना ये दीवार काली हो चुकी है। अभी हमाम ना हमने जलाने के लिए रख दिया है, अभी हमाम में अच्छी खासी आग लग चुकी है तो इसको जलने देते हैं, है ना, इसको जलने देते हैं। हम तब तक बर्फ़ हटाते, एक तो थोड़ा सा रास्ता निकालते हैं चलने फिरने के लिए और गाड़ी से बर्फ़ हटाते हैं।
हमने थोड़ी थोड़ी सी बर्फ हटा दी है, मतलब चलने के लिए रास्ता बना दिया। गाड़ी के छत पे से ना सारी बर्फ हटा दी है, क्योंकि अगर इस पे वजन पड़ गया ना तो ये अंदर चला जाता है, बाद में प्रॉब्लम देता है। तो जो हम नहीं चाहते कि नुकसान हो बिना बात का, तो बस हमाम भी जल चुका है। हमाम को एक नज़र मारते हैं कि जला है या नहीं जला। हमाम ना जल चुका है, अच्छा अंगारे बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि जलेगा, है ना हाथी? तो इसका मतलब है जल जाएगा ना, तो इसको करते हैं बंद। ये लाइफ है, ये देख रहे हो। पहले ना हम रोड तक जाते हैं, रोड की कंडीशन देखते हैं कि कोई निकला भी है मोहल्ले से अभी तक या नहीं, तो देख के आते हैं रोड की कंडीशन। यही चले हैं लोग, इसका मतलब निकले हैं, थोड़ा रास्ता है चलने के लिए ना, तो उधर तक नज़र मारते। अब कुछ थोड़े से सिनेमैटिक तब तक चेक करें। आज का व्लॉग आते यहीं पे एंड। आई होप आपको किसी भी रीज़न से व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको एक और फ्रेश से व्लॉग में, तब तक के लिए खुश, खाते पीते रहे, स्वस्थ रहें।